हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू पैसा ग्रोवर। आई होप कि आप सब फाइनेंशियली फ्री होंगे और एक हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आप मोदी जी का स्टेटमेंट सुनो, शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। भारतीय रेल के कायाकल्प होंगे, बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार। हम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के बारे में। हम इस सेक्टर के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि इसका आने वाला ट्रेंड कैसा रहेगा। सो हम इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो को ट्रेन की जर्नी में लेके जाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। आज की लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंटेनर्स की ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में, पोर्ट्स मैनेज करने में और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस के अंडर वर्क करती है। अभी इसकी मार्केट कैप है 64,500 करोड़ की और अभी आपको 1,000 रुपीज पर ट्रेड होता हुआ मिल जाएगा। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 52 का। सो एज ए लार्ज कैप कंपनी ये आपके एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इसकी आरओई 2020 में कोरोना की वजह से काफी ज्यादा डाउन गई थी, मगर उसके बाद इसको रेगुलरली रिकवर कर रहे हैं और अभी इसकी आरओई 10.45 की है। सिमिलरली आप देखो इसका आरओई भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, देन ईपीएस और अर्निंग पर शेयर में भी आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और अभी नियरली 19.26 रुपीज पर शेयर अर्न कर रही है और बुक वैल्यू भी इसके अंदर इन्वेस्टिंग के रिस्क को रिड्यूस कर रही है और आपकी 2020 में एक डेट फ्री कंपनी बन गई थी और अब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का। सो आपकी एक डेट फ्री कंपनी है और इसका करंट रेशियो भी गुड ग्रोथ को शो कर रहा है। फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आप देखो कि 2022 से इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल 23 में इसने 8170 करोड़ का एयरली रेवेन्यू जनरेट किया था और टीटीएम में भी इसकी रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है। फिलहाल इसकी ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज हो रही है और फाइनेंशियल 23 में इसने 1870 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। फिलहाल इसमें 54.8% के स्टेक खुद प्रमोटर्स के पास है, 16% के स्टेक एफआईआई और 15% का स्टेक डीआईआई के पास है। पब्लिक के पास इसमें केवल 3% की होल्डिंग्स हैं और 10% के स्टेक अदर्स के पास है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका वेल मैनेज्ड है। इन शॉर्ट आपकी गुड एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। टेक्निकल्स देखते हैं सो आपके एक अप ट्रेंड के अंदर मूव हो रहा है और रिसेंटली इसने अपने 1025 के रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है। सो अभी इसका फ्रेश सपोर्ट है एंड मेजर सपोर्ट रहेगा आपका 800 का। आप इसको इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। ये आपकी 1984 में शुरू हुई थी। ये रेलवे वैगन, कंटेनर फ्लैट्स, ग्रीन होपर्स, सीमेंट वैगन्स और टैंक वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। देन ये इंडिया कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप और डिफेंस सेक्टर में मोबाइल शेल्टर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो इनका काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। तो इसकी मार्केट कैप अभी 14,000 करोड़ की। सो एक आपको ऑलमोस्ट मिड कैप स्टॉक है एंड ये भी आपको 7,000 रुपीज पर ट्रेड होता हुआ मिल जाएगा। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 52 का। सो ये भी ओवरवैल्यूड वैल्यूएशन की साइड है और इसकी आरओई फाइनेंशियल 23 में सिग्निफिकेंटली ग्रो करी है और अभी इसकी आरओई 13 है जो कि इसमें अच्छी ग्रोथ को शो कर रहा है। सिमिलरली इसका आरओई भी पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। फिलहाल इसका ईपीएस 10.89 का है। सो अभी 10 रुपीज पर शेयर जनरेट कर रही थी। देन फाइनेंशियल 23 में इसकी बुक वैल्यू भी आपकी 14% इंक्रीज हुई है और आप देखो इसने अपने डेट को भी 74.5% से रिड्यूस किया है और अब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 का जो कि एक आइडियल डेट है और एक पॉजिटिव साइन है कंपनी की ग्रोथ के लिए। इसका करंट रेशियो है 1.23 का जो कि अभी और रिकवर होनी चाहिए। इसका रेवेन्यू देखो तो वो आपका फाइनेंशियल 23 में 44% इंक्रीज हुआ था और टीटीएम में भी ये रेवेन्यू 35% से जंप हुआ है और अभी भी इनको एक काफी बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करना है। सिमिलरली आप देखो रेवेन्यू 45% से ग्रो हुआ है और इसकी ऑपरेटिंग इनकम सीधा डबल हो गई और टीटीएम में 62% से इंक्रीज हुई है और इसमें इसने 427 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देखो तो इसमें 42.5% के स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 17.3% के स्टेक एफआईआई के पास है, देन 10.8% के स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, 26.5% के स्टेक आप सभी का है और रिमेनिंग 2.90% के स्टेक अदर्स के पास है। सो फाइनेंशियली ये भी आपका काफी अच्छा स्टॉक है। इसके टेक्निकल्स पर चलते हैं। सो इसके अंदर भी आपका सपोर्ट रहेगा 850-855 का और रेसिस्टेंस है 1125 का, देन 1250 का। सो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। थर्ड स्टॉक है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस में, एरोस्पेस में, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, रेल एंड मेट्रो सेक्टर में वर्क करती है। इसकी मार्केट कैप है 14,700 करोड़ की। सो ये भी आपका एक मिड कैप स्टॉक है और अभी आपका 3,500 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। इसका पीई रेशियो 80 का। सो ये भी एक ओवरवैल्यूड स्टॉक है और इसकी आरओई भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल 23 में आपकी 20% से ग्रो हुई है और इसका आरओई भी आपका 40% से ग्रो हुआ है। इसका ईपीएस 38 का। सो ये अपने एक शेयर पर 38 रुपीज अर्न कर रही है और इसकी बुक वैल्यू है 580 रुपीज की। देन इससे अपने डेट को हाफ कर लिया और अब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का। सो ये भी एक आइडियल डेट है। देन इसका करंट रेशियो भी नियरली कॉन्स्टेंट है और फिलहाल इसका करंट रेशियो 2.38 का। रेवेन्यू पर चलते हैं तो अभी नियरली 4,000 करोड़ का एयरली रेवेन्यू जनरेट कर रही है, मगर फाइनेंशियल 23 में इसका रेवेन्यू 10% से करेक्ट हुआ है और इसकी ऑपरेटिंग इनकम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। बस ये भी आपकी टीटीएम में
नियरली 3% से करेक्ट हुई है, तो प्रोमोटर्स के पास इसमें 54% के स्टेक है, FII के पास नियरली 10% के स्टेक है और अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। देन म्यूचुअल फंड के पास इसमें 16.3% के स्टेक है, 18.3% के स्टेक आप सभी के पास है और रिमेनिंग 1.50% के स्टेक अदर प्लेयर्स के पास है। टेक्निकल्स देखते हैं तो इसने आपको ब्रेकआउट शो किया था, फिर ट्रेंड में आई थी, देन इसने 4135 का हाई लगाया और वापस से ट्रेंड रिवर्स किया। अभी के लिए इसमें आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 3280 का, देन 2600 का और रेसिस्टेंस रहेगा 3850 टू 4100 का। आप इसको इन लेवल्स के साथ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। फोर्थ स्टॉक है IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये रेलवेज में, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में, रोड कंस्ट्रक्शन में एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वर्क करती है। इसके फंडामेंटल्स पर चलते हैं तो इसकी मार्केट कैप है 23,400 करोड़ की, सो अभी आपका नियरली एक मिड कैप स्टॉक है एंड अभी आपका 250 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है। इसका PE रेशियो 25 का, सो अभी एक अच्छी वैल्यूएशन पर इन्वेस्टिंग के लिए। इसकी ROE नियरली 15 की है जो कि इसमें गुड ग्रोथ को शो कर रहा है और ये फाइनेंशियल 23 में 15% से ग्रो हुआ है। देन इसका ROE भी नियरली 5 का है। फिलहाल इसका EPS है 8 का, सो अपने एक शेयर पर 8 रुपीस अर्न कर रही है और ये भी आपका 30% से ग्रो हुआ है। अब इसका बुक वैल्यू पर शेयर भी रिकवर हो रहा है जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए मस्ट है। देन इसने रिसेंटली अपने डेट को इंक्रीज किया है और अपने करंट रेशियो को भी इंक्रीज कर रही है। इसका रेवेन्यू देखो तो अब इसने 12,000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू के मार्क को टच किया है जो कि इसकी मार्केट कैप का जस्ट हाफ है और ये काफी अच्छा मार्केट कैप टू रेवेन्यू रेशियो रखती है और इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। आप इसको ऑपरेटिंग इनकम देखो तो वो फाइनेंशियल 23 में इसने 700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और TTM में इसने 820 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है एंड अभी 1000 करोड़ के ईयरली प्रॉफिट के भी काफी ज्यादा पास है। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देखते हैं तो इसने 65.17% का स्टेक खुद प्रोमोटर्स के पास है, 4.58% का स्टेक FII के पास है, 1.31% का स्टेक DII के पास है और 28.66% का स्टेक आप सभी का है। सो भी काफी अच्छा स्टॉक है। अब इसके टेक्निकल्स पर चलते हैं। सो भी आपके कप ट्रेंड में था और अभी 210 के सपोर्ट पर ट्रेड हो रहा है। अभी इसका रेसिस्टेंस है 275 टू 280 का, सो आप पहले इसके ब्रेक करने का वेट करो, देन आप इसके अंदर एंट्री लेने की सोचना, तब तक आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, IRCTC लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में टिकटिंग, कैटरिंग में, टूरिज्म सर्विसेज में वर्क करती है और इसका मेजरली रेवेन्यू कैटरिंग सर्विसेज से आता है। इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ये आपकी क्लास सी कंपनी है और इसकी मार्केट कैप नियरली 84,000 करोड़ की है। ये आपका 1050 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है। इसका PE रेशियो है 74 का, मगर ये तो खुद पूरी मार्केट का ही लीडर है। इसकी ROE है 40 की जो कि इसमें एक वेरी हाई स्पीड को शो कर रहा है और ये भी इसको भी ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली इसका ROE भी ग्रो कर रहा है, ये आपका 14% से ग्रो किया है। ये भी 12 रुपए पर शेयर को जनरेट कर रही है, मगर इसकी बुक वैल्यू में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने के लिए मिला है जो कि एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। ये भी आपके एक नियरली डेट फ्री कंपनी है और इसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का, इसका करंट रेशियो 1.82 का। रेवेन्यू पर चलते हैं तो अब इसका रेवेन्यू है नियरली 4000 करोड़ का जो कि फाइनेंशियल 23 में 88% से ग्रो किया है और ये रेवेन्यू इसकी मार्केट कैप से 20 टाइम्स कम है, सो आपका काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। सिमिलरली इसकी ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज कर रही है और अभी 1500 करोड़ की ईयरली इनकम के भी पास है। इसका शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास इसमें 62.4% का स्टेक है, FII के पास इसमें 8.1% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास इसमें 3% का स्टेक है, पब्लिक के पास इसमें 16.8% का स्टेक है और 9.70% का स्टेक अदर्स के पास है। सो ये भी क्वालिटी स्टॉक है मगर ओवरवैल्यूड भी है। इसके टेक्निकल्स पर चलते हैं। सो ये भी आपके अपट्रेंड के अंदर मूव हो रहा है और फिलहाल इसका सपोर्ट है 990 का और नेक्स्ट सपोर्ट है 850 का और रेसिस्टेंस इसका 1200 टू 1220 का। आप इसको इन लेवल्स के साथ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंडियन रेलवे के लिए फंडिंग करती है। इसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो ये भी आपके लार्ज कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ की, अभी आपका 150 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है और इसका PE रेशियो 34 का, सो एक अच्छे स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। इसकी ROE अभी 13.93 की जो कि इसमें मीडियम ग्रोथ को शो कर रहा है, देन इसका ROE भी काफी ज्यादा लो है। इसका EPS भी फिलहाल ग्रो कर रहा है सेम विद इट्स बुक वैल्यू और आप देखो इसका रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। अब इसने 26,000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू का मार्क टच किया है और TTM में 10% से ग्रो किया है। ये अपनी मार्केट कैप से 7.6 टाइम्स रेवेन्यू कम जनरेट कर रही है, सो ये भी आपके काफी ओवरवैल्यूड स्टॉक है। देन हम इसकी ऑपरेटिंग इनकम की जगह नेट इनकम को एनालाइज करेंगे, सो फिलहाल ये 6,000 प्लस करोड़ की नेट इनकम जनरेट कर रही है और ये भी आपकी इंक्रीज हो रही है। बस TTM में 4% से करेक्ट हुई है जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, सो हम इसका डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो मेजर नहीं करेंगे। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पर चलते हैं तो इसमें 86.4% का स्टेक खुद प्रोमोटर्स के पास है, 1.1% का स्टेक FII के पास है, 11.7% का स्टेक आप सभी के पास है एंड रिमेनिंग 0.6% का स्टेक अदर्स के पास है। इसके टेक्निकल्स देखते हैं तो लास्ट मंथ में तो इसने 7% के रिटर्न दिए हैं, बट लास्ट एक साल के अंदर इसने आपको 360% के रिटर्न दिए हैं। ये स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश है और ये अभी 160 के रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है। पहले आप इस लेवल को ब्रेक करने दो, उसके बाद इसके बारे में एंट्री बनाने की सोचना। उससे पहले आप इसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो या फिर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आके कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर मैं आपको इन सभी की रेगुलर लेवल्स और अपडेट देता रहूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के
अंदर मिल जाएगा। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस एनालिसिस। नाउ आई होप कि आप सभी को एनालिसिस पसंद आई होगी। अब अगर आप सभी को एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर आके पूछ सकते हो। एंड और भी ऐसी क्वालिटी एनालिसिस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी बी वेल्दी।